यहाँ पे इनकी संसद बैठती है। ये वो स्थान है जहाँ पे ऊपर जो बैठते हो, जो ऊपरी सदन होता है वो ऊपर बैठता और नीचे वाला सदन नीचे बैठ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव यादव ब्लॉग। और मैं फाइनली पहुँच गया हूँ मलाना में। मलाना विलेज है, वो हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये विलेज इंडिया से हटके है, क्योंकि इंडिया का संविधान, इंडिया का लॉ कुछ काम नहीं करता। मलाना गेट से जैसे ही आपने एंट्री कर दी, वहीं से मलाना का संविधान, मलाना के लॉ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको उनके लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो आपको अच्छा खासा पनिशमेंट होगा। इसमें भारत के कोई भी लॉ, संविधान, नियम नियम और जो सबसे बड़ी बात बोले, जो आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार, कुछ नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे आके किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते। कितने रुपए हो गए? चुना नहीं होता यहाँ पे, चुना नहीं। कितने रुपए हो गए? उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और उनकी दीवारों को भी टच नहीं कर सकते। देखिए फाइन है, मंदिर को छूने का 3500 रुपये फाइन है। इसलिए इस गांव में आके आने के लिए आपको भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इनके जो खुद का संविधान है, इनके खुद के लॉ, उनको फॉलो करना पड़ रहा है। और फाइनली अब हम चलते हैं मलाना की तरफ। मलाना के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आप मलाना के लिए, ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से मंदिर जा सकते हैं। और अगर आप इधर कसोल से आ रहे हैं, ये पीछे कसोल से है, तो कसोल से लगभग 10 किलोमीटर है। और पीछे ये जो है बुंतर, अगर बुंतर से आ रहे हैं तो बुंतर से 20-21 किलोमीटर है, इजीली बस वगैरह छोड़ देगी। बट अगर कभी बस से आप आ रहे हो तो आपको यहाँ के मलाना के लिए अंदर एंट्री के लिए आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। और टैक्सी आपको मिलेगी जरी में, जो टैक्सी मार्केट है। तो कभी भी आप इधर डैम पे ना उतरें, अंदर टैक्सी मार्केट में ही उतरें, तो वहाँ इजीली आपको टैक्सी हायर करके आप इजीली मलाना के लिए जा सकते। ये रहा एंट्री गेट। इस एंट्री गेट के बाद नीचे जाके, नीचे ऐसे जाना पड़ता है और फाइनली आप, फाइनली वो छोटा सा दिख रहा, वो मलाना विलेज रहा है। और यहाँ एंट्री करने के बाद भारत के लॉ, कानून वगैरह सब ख़त्म। अब आपको मलाना के सारे लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। इस एंट्री गेट के बाद आपके सारे राइट्स ख़त्म हो गए। अब जो मलाना के राइट्स होंगे, लॉ होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और चलिए हम चलते हैं मलाना के ऊपर से ट्रैक करते हुए आए। और ये सॉफ्ट, और ये मलाना ब्रिज है, ये रहा मलाना ब्रिज। इसको क्रॉस करते हुए उधर से, उधर से, उधर से वो ऊपर लास्ट दिख रहा, वहाँ पहुँचना है। और देखिए सुबह के 8 बज रही है, लगभग 8 बज चुके हैं। और टेम्परेचर अभी -22 है और हवा नहीं चलना बंद होती। एक्चुअल में यहाँ हवा चलती रहती है, तो सर्दी काफ़ी लगती है यार हवा की वजह से, और काफ़ी सर्दी लग रही है। पर ट्रैकिंग करते हैं तो थोड़ा सर्दी कम लगती है, अगर खड़े रहें तो काफ़ी सर्दी लगेगी, बट ट्रैकिंग करते हैं तो इतनी सर्दी नहीं लगती है। बट एक बात सबसे बढ़िया इसकी बात बोले कि इस गांव का थोड़ा, जैसे कालगांव में पक्का रास्ता नहीं था, वो मैंने बता दिया क्यों रीज़न नहीं था, और बट इसमें एक पक्का भी है आप देख सकते हैं। तो ट्रैकिंग थोड़ी स्ट्रेट है, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है, मिल जाएंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ऊपर ट्रैकिंग करने में आसानी से हो सकती है ट्रैकिंग। देखिए कितना स्ट्रेट है, ओ माई गॉड। इधर आओगे किसके खाओगे, इधर देखो वो हमारा टैक्सी स्टैंड। वहाँ से ऐसे नीचे नीचे वो ब्रिज आपको दिख रहा है पेड़ों के पीछे, ब्रिज से ऐसे करके अप्रोक्स आधा ट्रैक किया, पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी आधा हुआ, अभी आधा और करना है, पता नहीं कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, बट कोशिश करते हैं और करते हैं। बट अभी नीचे देखेंगे, नीचे धूप नहीं है,
बट फाइनली यहाँ धूप आ गई है। अप्रोक्स आध घंटे की ट्रैकिंग और बची होगी हमारी, अब से एक घंटे की ट्रैकिंग हो गई, आध घंटा और लगेगा, आध घंटा 20 मिनट, 20 से 30 मिनट लगेंगे। प्रॉब्लम ट्रैकिंग करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि नॉर्मल वे होगा, आप नॉर्मली ट्रैकिंग कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप स्टेयर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। घर में जो स्टेयर होती है आप एक साथ 8-10 मंजिल नहीं चढ़ सकते हैं, बट जगह जगह स्टेयर ही है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है ऊपर चढ़ने में। अगर प्लेन ट्रैकिंग भी मिले तो इतना इशू नहीं होगा, स्टेयर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, बट फिर भी ऊपर चलते हैं। ये स्टेयर से यहाँ आपको रेड बुल वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ रेड बुल, ऊपर भी रेड बुल। यहाँ आपको रेड बुल वगैरह ज़्यादा मिल जाएंगी बिकॉज अल्कोहल बैन है यहाँ पे, अल्कोहल बैन है, अल्कोहल आप नहीं पी सकते, बट फिर भी लोग पी लेते हैं चोरी चुपचाप करके। फाइनली हमारी एंट्री हो गई, यहाँ से सामने आपको दिख रहा ये मलाना ब्लेज है, एंट्री हो गई। इतना अप्रोक्स मुझे लगा 1.5 घंटे से ऊपर टाइम लग गया ट्रैकिंग करते हुए, रीजन एक ही था, स्टेयर्स काफ़ी थी जिस वजह से ट्रैकिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट फाइनली अब पहुंच गई। अब ब्लेज के अंदर जाके बताते हैं आपको। कितने रुपए हो गए? चुना नहीं होता यहाँ पे, चुना नहीं। कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? सेंटा फ्रेश तो दूध दे दो, दो सेंटा फ्रेश, वो ब्लू वाली है जो, कितने रुपए हो गए टोटल? दो चाहिए, दो चाहिए। अभी 2 रुपए पैकेट लेने हैं, दो नहीं ये पैकेट एक ही चाहिए, तुम्हारे थोड़े ना मना पागल हो, रखो ये एक ले लो अपना, उठा लो इसमें से, एक ही चाहिए बस, और ये रहे, रुक। देखिए फाइन है, मंदिर को छूने का 3500 रुपये फाइन है। जगदम ऋषि का ये टेंपल रहा, देख रहे हैं ये मलाना ब्लेज का लास्ट घर है, इसके बाद कोई घर नहीं है। और ये जो नीचे रास्ता होते हुए जा रहा, आगे ब्लॉक हो गया रास्ता, बर्फबारी ज़्यादा हुई इस जगह ब्लॉक हो गया, आगे इनका जो प्राइमरी स्कूल था वो था। और ये जो पीछे रास्ता जाता है जो मलाना का प्राइमरी स्कूल है उसके लिए जाता, बट अभी ये रास्ता आगे इतनी बर्फबारी हुई है स्नोफॉल की वजह से ब्लॉक हो गया, इसलिए आगे जाना तो पॉसिबल भी नहीं है, और स्कूल भी बंद चल रहा है। और जो आप पीछे जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लास्ट मलाना का लास्ट घर है, इसके बाद मलाना पूरा ख़त्म, आप देख सकते हैं। पूरा मेला ग्राउंड है, यहाँ पे मेला लगता है 15 अगस्त वाले दिन।
यहाँ पे इनकी संसद बैठती है। ये वो स्थान है जहाँ पे ऊपर जो बैठते हो, जो ऊपरी सदन होता है वो ऊपर बैठता और नीचे वाला सदन नीचे बैठता है। तो ये रहा ऊपर सदन वाले का ये रास्ता। ये इनकी पूरी संसद है, ये पूरी संसद है। ये जो मंदिर है उसके ठीक सामने है, जो ऊपर आपको हिस्सा दिख रहा है ये इनके ऊपरी सदन के लोग बैठते हैं और नीचे वाले हिस्से में निचले सदन के लोग बैठते हैं। और ऊपर जो मेन हेड है उस मंदिर के सामने ही इनका जो भी जस्टिस वगैरह होता है, न्यायपालिका लगती है, दोनों सदन भी लगते हैं। सदन दो भागों में पार्ट में डिवाइड है, जे वाला ऊपरी सदन हो गया जो ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला निचली सदन हो गया। जस्ट मंदिर के सामने ही है ये। हम जिस जगह हैं ये इनका मेला ग्राउंड है। 15 अगस्त को इस पे इस भी पूरे ग्राउंड पे बहुत अच्छे तरीके से सजता है और बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। अभी जो जस्ट हमारे पीछे है वो मलाना गांव के प्रधान हैं, जो जिनका नाम भागीराम जी है, जो भागीराम प्रधान जी हैं उनका घर जो पीछे जस्ट हमारे पीछे जो हमारे जस्ट पीछे जो आपको जस्ट जो हमारे पीछे जो घर दिख रहा वो यहाँ के प्रधान श्री भागीराम जी हैं और उनका ये घर है। आप देखिए वो यहाँ के प्रधान है। इस बार भी प्रधान के लिए जब से 2012 से यहाँ वोटिंग स्टार्ट हुई तब से रेगुलर वो प्रधान है और इस बार की भी वोटिंग में वो भी प्रधान बनेंगे। तो वो रेगुलर प्रधान है क्योंकि 2012 के बाद ही इस गाँव में वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, उससे पहले यहाँ वोटिंग वगैरह नहीं हुई। इस बार भागीराम प्रधान जीत जाएंगे, जीत जाएगा। अच्छा क्रीम पीता है? नहीं 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 क्रीम नहीं पीता। घर से बाहर जाते हुए हैं और गांव के लास्ट बिल्कुल जाते हुए ये गलियां हैं। बाय बाय मलाना, और मलाना को बाय बाय करते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सारी जितनी डिटेल थी मैंने मलाना की दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए क्या क्या कोई कमी तो नहीं है कुछ। अगर आप एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं मलाना के बारे में तो वो हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए काफ़ी उतरने में काफ़ी अच्छा लग रहा क्योंकि वो स्टेयर थी ना, चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उतरने में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आई होप अब हम जल्दी नीचे उतर जाएंगे। देखिए कितना आसानी से, अभी भी हमें लग रहा कि अगर स्टे लेना पड़ेगा कहीं भी तो एक जगह रुक जाऊंगा, एक जगह रुक के दूसरे बार में फाइनली नीचे पहुंच जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इतना थकान नहीं हो रही। अब चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जितना उतरने में नहीं होती है। तो अब फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ लिए। आप देखें नीचे कितना आसानी से उतर रहे, कहीं भी स्टे नहीं किया, अभी भी चली जा रही। तो मलाना जब भी आना, चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा, पर उतरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा।